हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट पीए रेडियोग्राफी पे। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास में जो चेस्ट रेडियोग्राफी की जाती है, जो चेस्ट एक्सरे किया जाता है, वो किस किस वजह से किया जाता है, कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसके अंदर पे चेस्ट रेडियोग्राफी को किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि चेस्ट रेडियोग्राफी को किया कैसे जाता है, मतलब कि इसके करने की क्या तरीका है, क्या इसकी पोजिशन होगी और किस तरीके से हम इस पर टेक्निक अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम इस पर फैक्टर्स अप्लाई करेंगे, आज हम उस सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास में जब कोई एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि हमारे पास में अलग अलग वेरिएशंस टाइप की जो है टेक्निक है, जिसमें हम जैसे चेस्ट का पीए एक्सरे है, चेस्ट का लेटरल एक्सरे है, चेस्ट का एपी एक्सरे है, चेस्ट का अपेकोग्राम एक्सरे है, लॉर्डोटिक एक्सरे है, तो मतलब के कई सारे वेरिएशंस है चेस्ट की। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं चेस्ट पीए के ऊपर पे है, मतलब के पोस्टीरियो एंटीरियर है। क्या है? पोस्टीरियो एंटीरियर। पोस्टीरियो एंटीरियर प्रोजेक्शन हम करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास में चेस्ट की क्या क्या प्लानिंग, किस तरीके से हम पेशेंट की पोजीशन करेंगे, पार्ट पोजीशन करेंगे, उसी पे ही आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो आती है पेशेंट की पोजीशन आती है, कि पेशेंट को हम किस तरीके से पोजिशनेट करें जिससे हम अपनी चेस्ट की जो रेडियोग्राफी हम चाहते हैं पोस्टीरियो एंटीरियर वो हमें मिल सके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमारा जो पेशेंट होगा वो पेशेंट हमारा इरेक्ट पोजीशन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? इरेक्ट पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट कुछ इस तरीके से खड़ा हो कि उसके पास में उसके जो दोनों पांव हैं उन दोनों पांव से, मतलब कि उसका जो पूरा वेट है, बॉडी वेट जो है, वो दोनों पांव पे हो। ऐसा नहीं हो कि एक साइड पे एक पांव पे ज़्यादा है, एक पांव पे कम है ना। तो इस तरीके से हमें पेशेंट को खड़े करना है कि पेशेंट हमारा दोनों पांव से, मतलब अच्छे से, जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, कुछ इस तरीके से हम पेशेंट को क्या कर देंगे, खड़े कर देंगे। तो पेशेंट अपने दोनों पाँव पे अपना अच्छे से वेट डाल के खड़ा हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में हम क्या करेंगे कि पाँव को थोड़ा सा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब कि पाँव में थोड़ा गैप हो, एकदम पे मिला हो नहीं, ऐसे साथ में बिल्कुल मिले हुए नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए पाँव में, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को हम कैसेट के साथ में अटैच कर देंगे। क्या करेंगे? पेशेंट को कैसेट के साथ में अटैच कर देंगे। अब पेशेंट को हम किस तरीके से, किस तरफ से, किस पेशेंट को अटैच करेंगे कैसेट के साथ में, तो आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे पेशेंट का जो एंटीरियर वाला, सामने वाला जो चेस्ट वाला पार्ट है वो कैसेट के साथ में अटैच्ड है, क्योंकि इसके अंदर पे जो हम एक्सरे कर रहे हैं ये एक्सरे ही हमारा कौन सा है, पोस्टीरियो एंटीरियर। दैट मीन के इसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होगा वो सोर्स की तरफ होगा और जो एंटीरियर वाला पार्ट होगा वो हमारे जो है इमेज रिसेप्टर, जिसको आईआर कहा जाता है, मतलब कैसेट कहा जाता है, उस पे अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से पेशेंट की पोजीशन करेंगे और पेशेंट को अटैच कर देंगे, पेशेंट की जो चेस्ट होगी वो अटैच कर देंगे हम आईआर के साथ में, आईआर मतलब इमेज रिसेप्टर के साथ में। उसके बाद में हमारे पास में हम क्या करेंगे कि पेशेंट की चिन को राइज करेंगे, थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर पे, और उसको राइज करवा के हम क्या कर देंगे, उसको कैसेट के ऊपर जो आईआर इमेज रिसेप्टर है हमारा उसके ऊपर पे रेस्ट करवा देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम एक्सरे करेंगे चेस्ट का और हमारी जो ये क्या बोलते हैं उसे, चिन होगी, ये चिन अगर हमारी ऐसे ही नीचे रही तो ये हमारा जो एयर वे है उस एयर वे पे ओवरलैप करेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि पेशेंट की चिन को ऊपर राइज करवाते हैं और उसे रेस्ट करवा देते हैं किस पे, कैसेट पे, है ना। तो आप जैसे इमेज में देख भी पा रहे होंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में अब पेशेंट के हैंड्स कैसे होंगे। अब पेशेंट के हैंड्स को हम क्या करेंगे, रोटेट, पहले हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पाम है, अगर हम इसको आगे रखते हैं तो हमने क्या करना है, इसको पीछे की तरफ लेके जाना है, एल्बो को अपनी फ्लैक्स करना है, पार्शली फ्लैक्स करेंगे, पूरी फ्लैक्स नहीं करेंगे, पार्शली फ्लैक्स करेंगे, पाम पीछे की तरफ, आउटसाइड पीछे की तरफ रहेंगे, और उसके बाद में हम अपने हैंड्स को हिप पे रेस्ट करवा देंगे। क्या करवा देंगे? रेस्ट करवा देंगे। इससे हमारे पास में क्या फ़ायदा होगा कि जब आपने अपने मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसे हिप को, आप जब जैसे ही आप पीछे लेके जाते हो तो आप देख रहे होंगे कि आपके शोल्डर में कोई मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? शोल्डर में कोई मूवमेंट हो रहा है, तो ये मतलब कि आपके शोल्डर फॉरवर्ड आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फॉरवर्डली रोटेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पीछे की ये वाली बोन होती है जिसको स्कैपुला कहते हैं, ये स्कैपुला आपकी लेटरली चली जाती है। क्या चली जाती है? लेटरली। जैसे ये पीछे की साइड है, आप इसे रोटेट करके शोल्डर को आगे की तरफ रोटेट करोगे तो वैसे ही आपकी जो स्कैपुला होगी वो स्कैपुला क्या हो जाएगी, एकदम से लेटरल साइड में आ जाएगी। मतलब कि आपका जो लंग्स वाला एरिया होगा वो लंग्स वाला एरिया आपको क्लियरली विजुअलाइज होगा,
ठीक है ना। तो इससे हमारे पास में क्या होगा, हमें इजीली लंग्स का एरिया क्लियरली विजुअलाइज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे ही हमने पेशेंट के हाथ को ऐसे करके रोटेट करवा के शोल्डर को आगे रोटेट करवाया, तो हो सकता है पेशेंट अपने शोल्डर्स को जो है वो ऊपर की तरफ उठा दे, है ना। तो हमें उसे क्या करना है, डिप्रेस करवाना है। क्या करवाना, डिप्रेस करवाना नीचे की तरफ। ऐसा हम क्यों करवाएंगे कि हमारी जो क्लेविकल है ना, जैसे अगर ये ऊपर की तरफ उठती है तो क्लेविकल ऊपर की तरफ उठ रही है, अगर ये नीचे की तरफ होती है तो हमारी क्लेविकल भी नीचे की तरफ आएगी, जिससे हमारे पास में जो अपेक्स है इस अपेक्स के नीचे पे हमारी क्लेविकल आ जाए। मतलब क्लेविकल के ऊपर पे हमें अपने क्या दिखने चाहिए, अपेक्स दिखने चाहिए। लंग्स का जो एरिया है ना, अपर एरिया जो होता है लंग्स का, ऊपर वाला जो एरिया है वो अपेक्स हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली विजुअलाइज होना चाहिए। मतलब उस पर हमारी जो क्लेविकल बोन है, ठीक है ना, इस क्लेविकल बोन का कोई भी ओवरलैप इस पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम पेशेंट की पार्ट पोजीशन की बात करते हैं कि पार्ट कैसे पोजिशनेट करेंगे, ये जो हमारा चेस्ट का एरिया, ये हमारा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इसके आन पे हमने देखना है मिड सजाइटल प्लेन। क्या होना चाहिए, मिड सजाइटल। मिड सजाइटल का मतलब होता है कि जो बॉडी को दो पार्ट में काटता है। आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे कि हमारे पास में ये जो मिड सजाइटल प्लेन है, बिल्कुल बीच से हमने लाइन डाल रखी है और मिड सजाइटल प्लेन इसमें लिखा हुआ है। तो ये क्या होना चाहिए कि हमारी जो कैसेट की मिड लाइन है, क्या होनी चाहिए, मिड लाइन इसके साथ में अलाइन होना चाहिए। कैसेट की मिड लाइन और हमारे पेशेंट का मिड सजाइटल प्लेन, ये आपस में क्या होना चाहिए, बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट कैसेट से, मतलब कैसेट से जैसे ऐसे बिल्कुल अटैच्ड है, तो ये दोनों साइड से, राइट साइड से भी एंड लेफ्ट साइड से भी, अगर हम हाथ लगा के देखें, इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी, ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, इक्वल मार्जिन पे होना चाहिए। मतलब बिल्कुल इक्वली मिला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट एक साइड से ज़्यादा मिल गया और एक साइड उसमें गैप है, तो ये भी हमें देखना है। अब इसको देखने के लिए हमारे पास में क्या होगा, तो यहाँ पे आप एक चीज़ और दिखाई दे आपको दिख रहा होगा कि मिड कॉरोनल प्लेन। क्या दिख रहा है, मिड कॉरोनल प्लेन। इस मिड कॉरोनल प्लेन से हम चेक करेंगे कि मिड कॉरोनल प्लेन हमारे कैसेट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब इधर वाला साइड भी और इधर वाली साइड भी, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इससे हम अपने पेशेंट की जो पार्ट पोजीशन है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद में हमें चेक करना है कि पेशेंट का जो थोरेक्स है वो कोई भी एंगुलेशन में नहीं होना चाहिए। तो जैसी अभी टेक्निक मैंने बताई है आपको मिड कॉरोनल प्लेन वाली, तो मिड कॉरोनल प्लेन की टेक्निक जब आप अप्लाई करोगे, चेक करोगे ऐसे करके कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आपका पेशेंट का जो एंगुलेशन होगा या रोटेशन होगा वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये भी आपको क्या करना है, इंश्योर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक चीज़ और करी है जिस पे हम बात कर चुके हैं कि पेशेंट की चिन को हमने राइज किया था और कैसेट पे क्या करा था, रेस्ट करवाया था। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास पेशेंट के जो शोल्डर है, पेशेंट के शोल्डर से हमें 1.5 इंच से 2 इंच तक हमें कैसेट को ऊपर रखना है। ठीक है, तो इसका रखने का रीज़न वही है, इसका रखने का रीज़न वही है कि कैसेट को जब हम ऊपर रखेंगे, सबसे पहली चीज़ अगर हम कैसेट बिल्कुल शोल्डर से रख देते हैं तो हो सकता है हमारा जो अपर पार्ट, ये अपेक्स वाला पार्ट है, ये कट जाए। ठीक है, और दूसरा कि जब हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे शोल्डर को, सॉरी शोल्डर से हम इसके क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो हमारे क्या होगा कि हमारी जो चिन है ये इसके ऐसे करके ऊपर की तरफ उठ जाएगी, तो ऊपर की तरफ उठेगी तो हम क्या कर आराम से उसको क्या कर सकते हैं, रेस्ट करवा सकते हैं, जिससे हमारा जो ये एयर वे है, ये एयर वे भी हमें क्या करे, क्लियरली विजुअलाइज हो जाए एक्सरे के अंदर, जिससे हमारी मैंडिबल क्या हो उसमें ओवरलैप ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं शील्डिंग की। तो हम यहाँ पे पेशेंट का जैसे एक्सरे कर रहे हैं, तो एक्सरे करने का हमारा जो एक्सरे है वो एक्सरे हमारा क्या है, एक्सरे हमारा जो है रेडियो से रेडिएशन है, तो रेडिएशन से प्रोटेक्शन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को शील्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब एक्सरे तो हम चेस्ट का कर रहे हैं, बट नीचे हमारा जो पार्ट है वो हमारा सेंसिटिव पार्ट है, तो हमें उसे पेल्विस सीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे पेशेंट क्या हो सके, यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद कॉलिमेशन की बात करते हैं। कॉलिमेशन हम कहाँ पे करेंगे, कॉलिमेशन मतलब कि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ उतना ही एक्सपोज होना चाहिए, उससे ज़्यादा पार्ट हमारा कोई भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो चारों साइड जो लंग्स की या चेस्ट की हमारी जो फील्ड है, वो फील्ड हम क्या करेंगे, कॉलिमेटेड करेंगे। जैसे कि अगर आप बात करें ऊपर की तरफ, तो शोल्डर से आपने इसको 2 इंचेस ऊपर आपने रखना है, क्योंकि इससे आपकी क्या आ जाएगी, एयर वे भी आ जाएगी। कोलिमेशन को नीचे आपका जो है डायफ्राम होना चाहिए, और दोनों साइड पे हमारा जो पार्ट है,
ये वाला पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, स्किन मार्जिन होना चाहिए। दैट मीन के आपके जो चेस्ट की मार्जिन है, स्किन मार्जिन, ये दोनों साइड से इधर हमारा स्किन मार्जिन होनी चाहिए चेस्ट की। उसके बाद में हम बात करते हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन की बात मैंने, हमने पिछली वीडियो में भी बात कर ली है कि रेस्पायरेशन की क्या इंपॉर्टेंसी है, ब्रीदिंग कैसे करवानी चाहिए या क्या तरीका है ब्रीदिंग का और किस वजह से। तो यहाँ पे हमने क्या करवाना है, पेशेंट को इनहेल करवाना है और इनहेल करवा के हम पेशेंट को होल्ड करवाएंगे ब्रीथ को और वैसे ही हम उसको एक्सपोज करेंगे। और इसका रीज़न ये है कि जब हम पेशेंट को इनहेल करवाते हैं तो हमारा जो लंग्स फिल्ड होता है वो पूरा एक्सपेंड हो जाता है ना, तो जिससे हमारे लंग्स जो हैं वो हमें अच्छे से और क्लियर विजुलाइज होंगे। अगर वो अच्छे से अंदर सांस नहीं लेगा तो हमें जो लंग्स है वो लंग्स का पैथोलॉजी हमें अच्छे से पता नहीं लग पाएगी। इसीलिए हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, अंदर पे लंबी सांस खींच के रोक के रखने के लिए बोलना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सेंटर रे की। अब सेंटर रे हम कहाँ पे करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब कोई भी एक्सरे करते हो तो उसका सेंटर पॉइंट आपको देखना होता है कि हमारा जो सेंटर पॉइंट हो वो कौन सा पार्ट होना चाहिए। तो चेस्ट एक्सरे या चेस्ट पीए की बात अगर हम करें तो इसमें हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, T7 होता है। क्या होता है, T7। T7 पे हमें क्या करना होता है, अपने चेस्ट का जो रेडियोग्राफी है जिसकी सेंटर पॉइंट, जिसके सेंटर रे हम बोल रहे हैं, उस सेंटर रे को हमें T7 पे रखना होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो इसकी दो टेक्निक है। फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो स्कैपुला है, स्कैपुला का लोअर एंगल, मतलब के जो इन्फीरियर एंगल होता है, उस इन्फीरियर एंगल के लेवल पे आप मिड में आ जाए तो भी आप T7 पे पहुंच जाएंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो आपके पास में एक वर्टिब्रल प्रोमिनेंस, मतलब पीछे से यहाँ से उभरा हुआ एक पार्ट है, अगर आप उसे टच करके देखेंगे तो वहाँ से लेके 7 to 8 inches नीचे, जिसकी टेक्निक ये होती है कि आप यहाँ से आप देख भी पा रहे होंगे इमेज में कि आप उसे इस थंब को यहाँ पे वर्टिब्रल प्रोमिनेंस में रखिए और नीचे पे आप T7 पे, तो आपका ये 7 to 8 inches है, ये आपका सेंटर रे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेंटर रे हो जाएगी, जिसको हम T7 कहते हैं। उसके बाद में टेक्निकल फैक्टर की बात करते हैं, तो टेक्निकल फैक्टर में जो SID आपका होगा, SID का मतलब है सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। तो चेस्ट के बारे में जैसे आपको पता है कि चेस्ट के एक्सरे में हमारा डिस्टेंस 6 feet होता है, कितना होता है 6 feet, मतलब के सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस, सोर्स टू पेशेंट डिस्टेंस नहीं, सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 72 inches, 183 centimeters, और इसको हम 6 feet कहते हैं। कितना कहते हैं, 6 feet कहते हैं। तो SID हमारा 6 feet होगा। उसके बाद में IR साइज, तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा वाला साइज लेंगे जिसको हम 14-17 कहते हैं। क्या कहते हैं, 14 inches into 17 inches, जो हमारे 35 into 40 centimeters समथिंग कुछ होगा, और इसको हम लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज अकॉर्डिंग टू पेशेंट के हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है ग्रिड, हम इसमें ग्रिड भी यूज़ करते हैं, और ग्रिड का यूज़ क्या होता है वो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास में जो ग्रिड होती है वो स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। क्या चीज़ की जाती है, स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर हमारे कितने होंगे, एनालॉग या हो या डिजिटल फैक्टर, हम जो है उसको हम याद यूज़ करते हैं 60 to 65 kVp, और इसको हम पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट के थिकनेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास में ज़्यादा मोटा आ गया तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, एवरेज पेशेंट पे हम 60-65 रखेंगे, बच्चा हो गया तो हम इसको और कम कर देंगे। MS की बात करें तो MS हमारा 6 to 8 mm होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम इसको भी क्या कर सकते हैं, वेरिएशन में ला सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, जब आप एक्सपोज करते हैं तो एक्सपोज करने के बाद आपके पास में कुछ ऐसा एक्सरे आएगा, और ये जो एक्सरे है ये आपको क्लियर लंग्स दिखा रहा है, उसके बाद क्लेविकल्स, ट्रैकिया, उसके बाद में रिब्स, है ना, हार्ट की शेडो, और ये सारी चीज़ें इसमें दिख रही है। हम चेस्ट एक्सरे का इवेल्यूशन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट में, वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि हम चेस्ट रेडियोग्राफी को कैसे देख सकते हैं। पहले नॉर्मली बनाएंगे, नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफी को पढ़ना, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिजीज़ के कौन सी डिजीज़ को कैसे देखा जाता है या कौन सी डिजीज़ किस तरीके से दिखाई देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।